I do remember you sharing an exceptional relationship with one of our 90s, you know, stars, unfortunately, who had to pass on very soon. And that was Divya Ji. Okay. Hame mauka nahi mila tha. Aaj agar reh gayi hai ek baat meri zindagi mein ki I can't talk to her. But I remember you and her almost had koi alag rishta tha aap dono ka. You were put around her in many places. उन्होंने आपके आपका नाम लिया है उन जगहों पर जहाँ पर कहते हैं ना if she's really your friend she should take your name behind your back. जहाँ पर आप नहीं भी होते तो आपको suggest करना. उन्होंने ऐसे किया भी था क्योंकि ये रेडियो नशा है और ये ऑडियंस आप ही की है. उस दौर के बारे में उस रिश्ते के बारे में प्लीज मेरी ऑडियंस को बताएं. You know my heart becomes very heavy when I have to discuss her. बट आई थिंक कि अगर दिव्या होती ना तो हम में से कोई दिखता नहीं आज. इतना पावर हाउस थी वो और इतनी ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी. और आपको जो ये नूर और तेज आप मेरे में देख रहे हैं अगर आप उसमें देखते ना तो ये भूल जाते. इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी वाइब्रेंस आँखों में, इतनी चमक. तो मेरा पहला जब मैं मिली थी ना उसको तो वो था जब मैं खिलाड़ी का गाना महाबलेश्वर में कर रही थी और हम सेम होटल में ठहरे थे. और वो दिल का दस्तूर आई थिंक उसका गाना करने के लिए आई थी और हम सेम होटल में ठहरे हुए थे. और मैं होटल में हमारा एक कुछ सीन चल रहा था शाम के वक्त और उनका पैकअप हो गया था और वो आई और आकर वो दूर खड़ी होकर मुझे देख रही थी ऐसे. मुझे नहीं पता था कौन है क्योंकि रिलीज नहीं हुई थी फिल्म यू नो और दीवाना शायद रिलीज होने वाली थी. आई थिंक दिल आशना है ना. हाँ कुछ कुछ था. तो मुझे ये पता था कि ये एक्टर ही हैं, फीमेल एक्टर हैं, बट कौन है मुझे नहीं पता. तो पता नहीं एक उनकी आंखें ऐसे गड़ी हुई थी मेरे पे और मैं ऑकवर्ड फील कर रही थी कि क्यों मुझे इतना घूर रही हैं भाई. तो मैंने शायद किसी को पूछा भी होगा कि तो फिर उन्होंने बताया कौन है. Anyway, बस फिर उसके बाद वो चली गई. आई डिडंट मीट हर आफ्टर दैट. देन आई मेट हर द डे वी वर चेकिंग आउट. जब हम होटल से बाहर निकल रहे थे तो वो रिसेप्शन पे खड़ी थी एंड देन शी जस्ट स्माइल्ड एट मी. सो आई ऑल्सो स्माइल्ड एट हर. आई डोंट नो देयर वाज सम इंस्टेंट कनेक्ट एंड अगेन देयर वाज नथिंग. And you all were both young. You all were yeah, just yeah, like we were just 16, 17. She was younger than me probably. And तो खत्म हो गया. एंड देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स और ईयर और सो आई साइंड रंग एंड दे सेड एंड देन हर फिल्म्स केम, माय फिल्म्स केम एंड देन द जर्नी हैपेंड एंड देन दे सेड दैट. अच्छा उसके बीच में हमने एक एक कैलेंडर किया था किसी मैगजीन के लिए जिसके अंदर यू नो शम्मी कपूर जी थे और हम तीन चार लड़कियों को रहना था और उसमें दिव्या वॉज वन ऑफ देम बट शी कुंट मेक इट, शी कुंट रीच. तो वो मिस हो गया. एंड देन रंग की. और जब हमने रंग की और हमने हम बहनों का रोल कर रहे थे और हम मिलते थे यू नो मुहूर्त पे फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग गाना रिकॉर्ड हो रहा है. बस ऐसे लगा कि हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को. मुझे नहीं वो पल याद आता कि कब वो कनेक्ट हुआ इससे ज़्यादा. बस यही याद आता है कि अजीब ही कनेक्ट हो गया था कुछ. और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो प्यार का पहला कदम यू नो था वो उनकी तरफ से था. और वी वर स्टेइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर्स हाउस एंड सडनली यू नो आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म एंड शी वाज शूटिंग इन द सेम स्टूडियो एंड देन शी केम ऑन माई सेट और मेरा कुछ शॉट शुरू होने वाला था. एंड शी सेड वेट 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 दो मिनट रुकना, दो मिनट रुकना. एंड शी गोज रनिंग समवेयर एंड शी कम्स बैक विद अ बिंदी. And she says, you have to wear this bindi. How are you not wearing this bindi? So I said, hey, you know. So उसके अंदर वो जो छोटा 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 एक प्यार दिखाने का मुझे लगा ये बहुत मैं हूँ, you know, मैं भी ऐसे ही करती हूँ. फिर सेम तरह के जूते अपने लिए लाती थी, मेरे लिए भी कोई लाती थी. And मेरे घर के नीचे आके मुझे बोलती थी वॉचमैन को भेज के कि बुलाओ नीचे. तो हमने बहुत ऑफ सेट भी बहुत टाइम एक दूसरे के साथ अलग अलग चीज़ें करी हैं, बिताया है. और आई मीन आई वुड से इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है. यू नो वो इतनी फुल ऑफ लाइफ थी, इतना उसने जिया है भर के जैसे उसे पता था.
और हमारा एक सीन था गले लगने का, यू नो, रंग में बहनें मिलती हैं और गले लगती हैं, वो बार बार रीटेक करती थी. तो मैं बोलती इतने रीटेक क्यों, यू नो, कुछ डायलॉग बोला और फिर गले लगने का मौका मिल रहा है ना, तो फुल ऑफ लाइफ एंड सो मच. तो आई विश अगर वो होती ना तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड वो होती.